वह देश का संसाधन
हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आज इस्तेमाल कर पाते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के चार भेद हैं। प्राकृतिक संसाधन के चार भेद हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार, मतलब निर्माण प्रक्रिया के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। बनने का क्रम जो है, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन यानी जिसमें जीवन वर्तमान में हो और उस वस्तु का हम इस्तेमाल करते हो, वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। जैसे वन है, पशु है, मानव है, ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जिसमें जीवन है वर्तमान में, जैव संसाधन या जीवन के द्वारा निर्मित हुआ हो, जैसे विभिन्न प्रकार के शक्ति खनिज हैं, वह किसी न किसी जीवन के माध्यम से ही निर्मित हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कोयला का बताते हैं, कोयला जैविक संसाधन का ही एक भाग है। प्राचीन काल में प्री कैम्ब्रियन युग में जब पृथ्वी अपने स्थान से खिसक रही थी, उस क्रम में उसके ऊपरी भाग पर जो वनस्पतियों का विशाल आवरण था वह अंदर गया और लाखों वर्षों में वर्षा का जल रिस रिस करके उन वनस्पतियों को सड़ाया गया। फिर आंतरिक क्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोकार्बन की क्रिया उत्पन्न हुई और वो हाइड्रोकार्बन जो है जितने बड़े चट्टानों के भागों पर वह फैला उतने दूर तक फैला। इसी प्रकार से अन्य खनिजों के निर्माण की भी प्रक्रिया है। इस प्रकार से शक्ति खनिज मुख्य रूप से किसी न किसी जैविक विच्छेद से ही निर्मित है। अजैव संसाधन जिसमें वर्तमान में जीवन ना हो, जीवन नहीं है और उसका हम उपयोग करते हैं, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा जलावन के रूप में उपयोग कर लेते हैं, आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, जीवन नहीं है, कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, कलम का इस्तेमाल करते हैं, बस का इस्तेमाल करते हैं, वर्तमान में उसमें जीवन नहीं है, लेकिन कभी उसमें जीवन था। कभी कपास की खेती हुई तो उससे धागा तैयार किया गया, तब जाकर के हम वस्त्र पहनते हैं। इस प्रकार से ऐसे संसाधन को जिसमें जीवन नहीं है और उपयोग कर रहे हैं, वैसे संसाधन को अजैव संसाधन। विकास और उपयोग के आधार पर भी संसाधन के दो भेद हैं, मतलब विकास किस प्रकार से वह विकसित हुआ, कैसे हम उसका उपयोग कर रहे हैं, इसके आधार पर भी संसाधन के दो भेद हैं, एक वास्तविक संसाधन और दूसरा संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन जो निश्चित मात्रा में मेरे पास उपलब्ध हो, हम बता सकते हैं कि हमारे पास यह संसाधन 5 मिलियन मैट्रिक टन है, ज्ञात है मेरे पास, ये साधन मेरे पास में स्टॉक में रखा हुआ है, ज्ञान है हमको वह कम नहीं हो सकता है, और उसको फिर हम अपने अनुसार लंबे समय तक चलाने का प्रयास करते हैं, ऐसे संसाधन को वास्तविक संसाधन। और दूसरा है संभाव्य संसाधन, वैसे संसाधन जो वर्तमान में हमें मिलता नहीं है परंतु मिलने की संभावना व्यक्त कर सकते हैं, अनुसंधान होता है, सर्वे किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, भूगर्भ शास्त्रियों ने भूमि के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिजों का खोज करते हैं, ऊपरी चट्टानों के बनावट के आधार पर यह निर्धारित करता है कि इस भाग पर कोई खनिज है। जैसे आसपास के क्षेत्रों में जब सर्वे हुआ, भूमि के अंदर जब पाइप डाला गया, अनुमान लगाया गया इस जगह पर मीथेन गैस हो सकता है, फिर जो है उस पर अनुसंधान किया और मीथेन गैस मिला। ऐसा भी हो सकता है वो नहीं हो, या ऐसा भी हो सकता है वो इतना कम मात्रा में हो जिसके निर्माण में हमको उससे कई गुना अधिक खर्च पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में उस संसाधन को हम निकालना छोड़ देते हैं। ऐसे संसाधन जिसके मिलने की संभावना से वो मिल जाए इसकी गारंटी नहीं है, या ना मिले इसकी भी गारंटी नहीं है, संभावना व्यक्त करते हुए ऐसे संसाधन को संभाव्य संसाधन। उपयोग के आधार पर भी संसाधन के दो भेद हैं, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। वैसे संसाधन
जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। उपयोग करने के बाद वह समाप्त ना होता बल्कि पुनः प्राप्त हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, पवने, वर्षा का जल, जल विद्युत, ये उपयोग करते हैं लेकिन फिर से हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिसका उपयोग करने के उपरांत वह समाप्त हो जाया करता है। कुछ ऐसे भी संसाधन जिसका कुछ अंश समाप्त होता है, पूर्णतः समाप्त नहीं होता है। लौह खनिज जो है, लौह संसाधन, धातु संसाधन जो है, वह पूर्णतः समाप्त नहीं होता है लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा उपयोग के बाद समाप्त हो जाता है। कुछ अंश बच जाता है जिसे पुनः चक्रण के माध्यम से उपयोग करते हैं। और जो संसाधन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, जैसे कोयला जला दिए, राख बच गया और कुछ नहीं मिलेगा, वैसे संसाधन को और नवीकरणीय संसाधन। चौथा है वितरण के आधार पर। पृथ्वी पर संसाधन जो है, खनिज जो है, एक समान नहीं मिलता है। कहीं कोई सब खनिज है, किसी जगह पर कुछ का कमी है, किसी जगह किसी की अधिकता है। तो कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो कि सर्व जगह है, सर्वव्यापक है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वर्षा का जल। वर्षा का जल में भी अंतर है, कहीं बहुत कम होता है, कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है। पवने, मिट्टी, ये सब संसाधन सभी जगह है लेकिन वहां उनकी गुणवत्ता में अंतर भले मिलता है। जो सब जगह मिलता हो और आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता हो, वैसे संसाधन को सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। और वैसे संसाधन जो किसी खास स्थान पर उपलब्ध होता हो, सब जगह ना मिलता हो, किसी खास कारणों से खास स्थानों पर निर्मित संसाधनों या मिलने वाले संसाधनों को स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपके क्षेत्र को ही लेते हैं, दामोदर घाटी क्षेत्र। दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला है, ऐसा नहीं कि पूरे झारखंड में कोयला है। दामोदर घाटी को छोड़ दें तो अन्य क्षेत्रों में कोयला नहीं है। फिर इसी तरह से बरना नदी की घाटी में कोयला है। तो जितने भी शक्ति खनिज हैं वह परतदार चट्टानों के अंदर हाइड्रोकार्बन की क्रिया उत्पन्न होने से ही निर्मित हुई है, चाहे वह खनिज तेल हो। खनिज तेल में हाइड्रोकार्बन की क्रिया उत्पन्न नहीं होती है, कोयले में हाइड्रोकार्बन की क्रिया उत्पन्न होती है, लेकिन सभी परतदार चट्टानों के अंदर है। तो ऐसे संसाधन जो किसी खास स्थानों पर किसी खास कारणवश मिलता हो, उसे वैसे संसाधनों को स्थानिक संसाधन कहते हैं। इसे हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, इसलिए यह वस्तु संसाधन। अब आगे अगले कक्षा